तो आज मैं ऑटोमेटिक गाड़ी का बता देता हूँ। ये स्विफ्ट है और AMT आता है, यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो कैसे चलाना होता है ट्रैफिक में, तो मेनली इसमें अभी न्यूट्रल पे है, तो इसमें एकदम सीधा नहीं होता लीवर आगे करके, ब्रेक दबा के आपको गियर हमेशा चेंज करने पड़ेंगे ब्रेक दबा के। जैसे ब्रेक छोड़ोगे तो थोड़ा एक्सेलरेशन इसके अंदर होता है, अपने आप चलेगी, तो 5 से 7 की स्पीड इसमें अपने आप होती है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ब्रेक ही हैंडल करने पड़ रहा है, मैं धीरे धीरे अगर इसे उतार रहा हूँ रैम्प के ऊपर से, तो मुझे रेस नहीं दबानी पड़ रही, अपने आप चल रही है। ऑटोमेटिक में इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, खासकर मेरे जैसे लोग जो कि मैनुअल चलाते हैं। थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि अपनी नहीं है। तो अब सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें, बट अगर ऑटोमेटिक है तो डेड पेडल भी नहीं है, तो मुझे एक बस स्विफ्ट में ये थोड़ी सी कमी लग रही है कि अगर ऑटोमेटिक है तो डेड पेडल दे देते, पैर रखा होता साइड में आराम से। मैनुअल गाड़ियों में भी आता है बट ऑटोमेटिक में आना चाहिए था। तो इसमें बस सबसे अच्छी चीज़ यही है, गियर चेंज नहीं करने, दूसरा एक्सेलरेशन का, स्विफ्ट का ऑलरेडी पिकअप बहुत तेज है। और इससे पहले मैंने सेल्टोस चलाई थी ऑटोमेटिक जो इसका आता है सेल्टोस का, तो मुझे उसमें कोई ऐसी वो नहीं हुई थी कि मुझे मतलब होता ना अलग अलग लगता है कि मेरा पैर बार बार क्लच पे जा रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड ये जो स्विफ्ट चला रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस आया था, 3 साल चली हुई गाड़ी है, लगभग 25-26 हज़ार किलोमीटर, तो वो देख लेना, वीडियो पर लिंक मिल जाएगा। तो गड्ढों में ऐसा है, देखो गाड़ी अगर आप क्लच वाली तो क्लच से दबा लेते हो, इसमें बस रेस छोड़ दो चलती रहेगी धीरे धीरे, अगर गड्ढा है नॉर्मल प्लेन रास्ता है फिर से रेस दे देना। अब मैंने यहाँ रोकनी पड़ गई, हल्का सा बस ब्रेक दबा लिया। यहाँ पे फुट मूवमेंट मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्रो सीरीज के अंदर डाल रहा हूँ, और प्रो जो हैं उनको यार फुट मूवमेंट का क्या फायदा। अगर कोई मैनुअल वाला है जो ऑटोमेटिक पहली बार चला रहा हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपना लेफ्ट फुट एकदम साइड में रख देना, पीछे मत रखना, क्योंकि आपको वो उसकी आदत होगी मैनुअल की और बार बार उस साइड फिर लेके जाओगे। तो अगर कोई मेरे जैसा है तो राइट में रखना, मतलब लेफ्ट में अपना सटा के रखना और बस एक ही फुट काम करना। ऑटोमेटिक गाड़ी में भी सिर्फ एक ही फुट जो राइट वाला है वही दोनों ब्रेक और रेस के ऊपर चलेगा। बाकी स्विफ्ट थोड़ा सा मैं ट्रैफिक से निकल के एक बार बता देता हूँ कि ये मुझे कैसे लग रही है ऑटोमेटिक चलाने में, क्या कुछ लैग है, एकदम स्टैंड स्टिल से उठा के दिखा दूंगा मैं गाड़ी। ओह बहुत तेज, यहाँ थोड़ा सा मैं देख एक बार दबा के देखो एक्सेलेटर, अब ये है 10-15 स्पीड पे, ऐसा होता है। देखो मैंने अभी दबा के देखा है, तो ये जो मैंने फील किया वो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक्सेलेटर खींच के दबा दिया, धीरे धीरे नहीं एकदम खींच के, तो आधे सेकंड के लिए गाड़ी दबी, हल्का सा मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे पुश हुई हो या गाड़ी ने अचानक लिया हो, तो हल्का सा लैग आएगा। AMT ट्रांसमिशन है, प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, वो झटके से जाती हैं। तो AMT का ये ऐसा है कि मैंने झटके से दबाया तो गाड़ी हल्का सा पीछे दबी और फिर झटके से गई, फिर नो डाउट पिकअप तेज़ है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसके आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा आ रहा है। अब है वही 20 की स्पीड पे, तो पिकअप तेज है बट हल्का सा शुरू में लैग लेती है, बट बाद में कन्वीनियंट हो जाता है चलाना, कोई गियर चेंज ऐसा कुछ नहीं करना। बस वो हल्का सा लैग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैनुअल में भी इतना तो लैग कर ही जाती है, क्योंकि मैनुअल में आप गियर चेंज करते हो तो स्पीड जो है थोड़ी सी कम तो उसमें भी हो जाती है, इसमें वो शुरू में होती है बाद। तो ब्रेक नॉर्मली देखो, ऑटोमेटिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आप घबराते हो ना मैनुअल वाले ज़्यादा घबराते होंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी है बार बार क्लच, जब पैर आएगा क्लच के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो एटलीस्ट नहीं हो रहा, आई कांट से अबाउट अदर्स, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा कि मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे वैसे भी क्लच की ज़्यादा आदत नहीं है, मैं क्लच बहुत कम दबाता हूँ, मेरा उसमें भी पैर जो है वो साइड में ही रहता है,
बहुत कम यूज करता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ये कन्वीनियंस तो है, वही मतलब ऐसा हो गया कि इस गाड़ी में वो होता ना गियरलेस चला रहे एकदम, तो वो फील तो मुझे आ रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में तो लैग मैंने बता दिया, तो मुझे इस गाड़ी में फील हो रहा, मुझे ये नहीं पता बाकी स्विफ्ट में भी है कि नहीं है। 30-40 तक भगाई, रेस छोड़ के अगर दोबारा भी झटके से दबा रहा हूँ तो वहाँ भी हल्का सा लैग ले रही है। तो जिनके पास अगर और स्विफ्ट ऑटोमेटिक है किसी के पास अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना, ये सब में होता है कि सिर्फ इसी में, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलाई हैं। यहाँ पे हल्की सी रेस देके छोड़ दी, इतना तो ये खुद भी चलती रहती है लगभग 1000-1500 आरपीएम तक। तो जो लोग नए हैं ड्राइविंग सीख रहे हैं, मेरा सजेशन अभी भी यही रहेगा, मैं शुरू से मानता हूँ कि मैनुअल गाड़ी से सीख लेना, फिर ऑटोमेटिक अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे उसकी भी नीड है तो ऑटोमेटिक भी चला लेना, लेकिन एक बार मैनुअल ज़रूर सीखना, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कल को अगर किसी की मैनुअल गाड़ी चलानी हुई तो वो चला पाओगे, ऑटोमेटिक में दिक्कत हो जाए, क्योंकि सिर्फ ऑटोमेटिक के आप हथियार बन के रह जाओगे, मैनुअल नहीं चला पाओगे। कन्वीनियंट तो है नो डाउट, बस जो एक फील होती है ना जो हर लोग उससे रिलेट करेंगे कि जब किसी से ओवरटेक कर रहे हैं गाड़ी नहीं निकल रही तो एक गियर डाउन करके जो भगाते हैं ना, वो फील बस वो मिसिंग है। बट वो इसकी कमी नहीं है, मैं वैसे उसका उसकी खासियत बता रहा हूँ। वो स्ट्रेच ठीक है, विंडो नीचे गया था। बस ज्यादा नहीं, कितना घूम इसमें बस। मैंने एक चीज़ फेस फील करी है, जैसे मैंने खींच के रेस दे दी तो जैसा अपना फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में गाड़ियाँ नहीं करती हैं, जैसे फर्स्ट गियर में 6000 आरपीएम तक चलेगी फिर झटका लेती है गियर चेंज करने के लिए, तो और जैसे दूसरा एक गियर मतलब एक आरपीएम लिमिट के बाद गाड़ी कहती है कि अब मुझे दूसरा गियर चाहिए, अगला नेक्स्ट गियर चाहिए, तो वो चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली फिर भागे जा रही है, तो एक टाइम पर जाके गाड़ी थोड़ा लैग लेती है रुकने के लिए कि उसे अब अंदर ही अंदर दूसरा गियर चेंज करना है। ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो ये एएमटी में ही आता है, क्योंकि है तो इसके अंदर मैनुअली, थोड़ा ऑटोमेटिक इसे कर दिया गया स्मार्ट बनाया गया, बट है इसके अंदर मैनुअली, तो उसकी वजह से ये एक लैग लेती है स्पीड पे जाने के बाद। एबीएस काम कर रहे हैं। यहाँ टिकी थी बस इतनी संतुष्टि थी कि एक्सेलेटर पे पैर नहीं दबा। अच्छा ताकि मतलब होता ना ऑटोमेटिक में भाई ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दे दबा दिया, खासकर ऑटोमेटिक में। ये देखो बाकी इस चीज में मैनुअल सही है ना, ना भाई दबाने वाला उसमें भी दबा देगा फिर भी वो बंद हो जाए, ये तो बिल्कुल मतलब ये चीज़ मतलब है मेरे अंदर की। जैसे घर में दो बाइक हैं, जैसे एक डिस्कवर है एक पल्सर है, तो पल्सर का गियर ट्रांसमिशन कुछ है, एक आगे बाकी पीछे और डिस्कवर का, तो आज तक मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उसका गियर डालने के बजाय निकाल दिया होता ना, दोनों चलाते तो हो जाता है, तो वो कभी नहीं हुआ। तो इसमें भी जैसे एक बार मैंने चलाई तो मेरे वो छप के दिमाग में कि इसका यहाँ रिवर्स और यहाँ ड्राइव है, तो बार बार दिक्कत नहीं हो रही। बाजार में मजा आता है ना। Hmm.
अपना हाथ चला गया था दूसरा गेट डालने के लिए पर हाथ जाते पता चल गया नहीं ऑटोमेटिक है। एक बार ऐसे शहर में ले जा रहे थे वही सेकंड गियर डालने के लिए। अच्छा उसी टाइम गाड़ी ठुक गई थी। रुक गई। अच्छा रुक गई। रुक जाती है ठुकती तो नहीं रुक जाती। तो अच्छा रुकी किस में? हाँ वो बटन ढूंढ रहा था मैं जैसे हुंडई गाड़ी में या और गाड़ी है ना जिसमें करेक्ट कि वो भाई वो बटन दबा के ताकि आप गलत ना डाल दो। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ क्योंकि इसमें वो टेढ़ा कर दिया ना थोड़ा लीवर आप गलत डाल ही नहीं सकते। रिवर्स बिल्कुल सीधा नहीं है ऐसा करके टेढ़ा है। तो बस यही था इस वीडियो में ऑटोमेटिक स्विफ्ट कैसे चलती है। चलो मैं रोक के भी दिखा दूंगा यहाँ पे पर जरूरत पड़ नहीं रही। हाँ ऑटोमेटिक में ये चीज़ तो अच्छी है बार बार वो क्लच नहीं है दबानी तो मतलब ज़्यादा पीछे चलने के चांसेस वो नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जो भी है कर देना और थैंक।